यहाँ बताना है परिवेश संख्या के या हेडिंग के तौर पर था बीच का परिवेश संख्या जब हर असमान हर असमान हो जो ये बता रहा था ना। तो इस वाले में बता रहा था कि इस वाले में मान लीजिए एक्स और वाई के बीच पूछा जाएगा, एक्स और वाई के बीच परिमेय संख्या पूछा जाएगा। लड़के मान लो इसके बीच बोला जाएगा कि तुम्हें एक्स और वाई के बीच ए वन ए टू ए थ्री टाटा कितना तक यन तक बताइए। ध्यान दीजिए, यन तक कहेगा बताने के लिए तो आप करोगे कि यन बराबर हो जाएगा। यन तक बोलेगा तो एक कहानी है कि तुम सबसे पहले यन प्लस वन कर दोगे, यन प्लस वन हो जाएगा। और दूसरा तुम्हारा एक लिखवाया हूँ डी बराबर, याद कर लेना वाई माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। कल वाला उदाहरण बताइए, मैं उसी को हल करके दिखाता हूँ आपको। माइनस दो बटा तीन, पांच बटा छह, पहला उदाहरण है ना। शुरू का किताब, शुरू का उदाहरण है, किताब वाला है, किताब वाला उदाहरण पहले बताया ना, किताब वाला पहला दूसरा उदाहरण बताए। माइनस दो बटा तीन हो तीन बटा चार, छह बताना था, पांच बताना था। इसके बीच में बताना है माइनस दो बटा तीन ए वन ए टू ए थ्री, फिर हो जाएगा ए फोर ए फाइव और तीन बटा चार, ये ना होगा। इसका इंडिकेट का मतलब है कि ये एक्स का काम करेगा और ये वाई का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यन बराबर कितना पूछ रहा है, पांच, ध्यान देना यन बराबर पांच पूछ रहा है। तो डी बराबर निकाल लो, तो डी बराबर निकालोगे तो कहोगे सर वाई माइनस एक्स होता है यन प्लस वन होता है। फिर यहाँ से डी बराबर वाई कितना है तुम्हारा, तो तीन बटा चार माइनस दो बटा में तीन, अब पूरे का बटा बता दो, ओरिजिनल बटा को हमेशा बटा बना ना, यन प्लस वन है लड़के कहाँ है, तो पांच प्लस एक हो जाएगा। तो डी बराबर ये हो जाएगा तीन बटा चार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दो बटा तीन और बटा में कितना हो जाएगा, किसी को दिक्कत। अब इन दोनों का लॉसा ले लो, तीन और चार का लॉसा कितना होता है बारह, चार तीन तितली के प्लस हो जाएगा चार हो जाएगा आठ चार जुना के ये हो जाएगा छ। तो डी बराबर लड़के इसमें गुणा होगा नहीं है, तो सत्रह बटा कितना आएगा बारह, समझ में। तो पांच को तुम्हें बताना है लड़के, A1 इज इक्वल टू लिख देना x प्लस कितना होता है d। अभी यहाँ कर दोगे x का मान कितना था तुम्हारा माइनस दो बटा तीन प्लस सत्रह बटा बहत्तर लड़के, फिर ध्यान कर दोगे तो ये हो जाएगा बहत्तर अड़तालीस ना चौबीस चौबीस बहत्तर हो जाएगा, चौबीस माइनस अड़तालीस प्लस हो जाएगा सत्रह, ये हो जाएगा माइनस इकतीस बटा में कितना हो जाएगा दूसरा तुम निकाले जाओगे ए टू तो एक्स प्लस टू डी कर लेना, माने ये एक्स का मान है माइनस दो बटा तीन प्लस दो गुणते सत्रह बटा में कितना हो जाएगा बहत्तर, एक कर लो माइनस दो बटा में तीन प्लस सत्रह दुना कितना हो जाएगा चौतीस बहत्तर, ये हो जाएगा तुम्हारा लड़के बहत्तर। ये देखो भाग करो तीन से चौबीस हो जाएगा, चौबीस का गुणा कर दो चौबीस दूना अड़तालीस, अड़तालीस प्लस कितना हो जाएगा चौतीस, इसको घटा दोगे तो माइनस का चौदह बहत्तर, ए थ्री बताओ तो ए थ्री का एक्स प्लस कितना हो जाएगा थ्री, और फिर तुम्हारा माइनस दो बटा तीन तीन गुणते हो जाएगा सत्रह बटा बहत्तर, अभी हो जाएगा लड़के माइनस दो बटा में तीन प्लस सत्तर दिया इक्यावन बहत्तर, फिर लौसा ले लोगे तो कितना हो जाएगा बहत्तर ही होगा ना। समझ में आ रहा है,
अभी हो जाएगा 24 दिन के 48 और 72 से भाग करोगे उतना ही रहेगा, 51 तो हो जाएगा 3/3 में कितना हो जाएगा 72। फिर उसी तरह तुम्हारा ये 4 का लड़के, ये 4 का निकाल ले जाओगे, 4d कर दोगे ना, ये 4 = -2/3 + 4 × 17/72 हो जाएगा, -2/3 17 × 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा लड़के तुम्हारा कितना 72 हो जाएगा 24 × 48 और प्लस हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा 72। फिर उसी तरह ये 5 निकाले थे, x प्लस कितना हो जाएगा 5d, ये 5 = तुम्हारा ये हो जाएगा -2/3 प्लस 5 × बाबू 17/72 -2/3 17 × 5 50 72 हो जाएगा, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 72। 24 × 48 हो जाएगा ना प्लस 85, बताइए कितना हो जाएगा 37 क्या 37/72 है। आंसर के तौर पर लिखेंगे लड़के, पहला आया है कहाँ पर, माइनस का 31/72 आ गया है, -14/72 आ गया है, 3/72 20/72 37/72 हो जाए। आई बात समझ में ना, ये योनिक कर टर्मिनेटिंग डेसिमल लड़के, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव है, शांत दशमलव लड़के लिखा गया है डेसिमल डायरेक्ट एंड्स आफ्टर द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये लिखेगा वह संख्या जो भाग देने पर कट जाती है कट जाती है 7 दशमलव कहलाती है। आप इतने से समझिएगा, इसका उदाहरण मतलब एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, लिख रहा है 1/4 एक लिखा है लड़के, दूसरा लिखा है 5/8, तीसरा तुम्हारा लिखा हुआ है 2 × 3/5। अब इसको कह रहा है कि क्या ये 7 दशमलव है, पहले आपको इस तरह बताया जाए फिर तरीका भी बताऊंगा दूसरा भी, जब इसको हल करने जाओगे इसी के सामने आप, चूंकि आप बड़े हैं तो ऐसे आप समझ लो दशमलव लगा दोगे 0 हो जाएगा, 4 × 8 ये 2 आ जाएगा ना, फिर 0 फिर हो जाएगा 5 × 6 कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा कट जाएगा ना। दूसरा तुम इसको भाग करने जाओगे 8, 5 × 0.25 लग गया 0, 8 × 6 कितना हो गया 2 हो जाएगा कट जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा 8 × 16, 4 हो जाएगा 8 × 5 = 4 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। उसी तरह इसको हल करोगे तो 5 × 10 = 13/5, ये 5 से भाग करोगे 13/5, 5 × 10 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ आप दशमलव लगा दोगे 0, 5 × 6 कितना हो जाएगा 30,
कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। यस सर। इसका मतलब यह सात दशमलव है। सात दशमलव करो व सात आवर्ती करो, दोनों का सेम से कही है। तुमसे पूछा जाएगा अभी इसके बारे में, तुम्हें झट से बताना होगा कि सात दशमलव क्या होगा। तुम्हें इजी लग रहा होगा, अरे तो भाग तो हम जानते हैं, शब्द बताना पड़ेगा। आई बस समझे ना? करी पूछा जाएगा कि बिना डिवाइड किए आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको पॉइंट एक रूल वहां पर स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, स्टार बनाकर नीचे लिख लीजिए कि जब परमेय संख्या के हर में, जब परमेय संख्या के हर में, हर में दो और पांच रहता है, दो और पांच लिखना, दो और पांच का अभाज्य गुण खंड है, अभाज्य गुण खंड है, तो वह संख्या सात दशमलव होती है, तो वह संख्या सात दशमलव होती है। सात दशमलव होती है। अभी जिसको मैंने भाग कर दिया जो लड़के, एक बटा चार को मैंने भाग कर दिया, जीरो दशमलव दो पांच आया था। आई बस समझ में, तुमने भाग किया था तब आया था ना। अब जब इसको लगाना होगा तो देखो ये चार लिखा है तो दो गुणते दो लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? लिख दोगे ना। दो के घात दो, इसके नीचे दो आया है कि नहीं आया? दो आया है ना। तीन हो जाते, क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा तुम हल कर रहे थे पांच बटा में आठ लड़के, इसको भाग कर दिए थे जीरो दशमलव छह दो पांच आ रहा था, यहाँ आठ का गुणा खंड जब करने जाओगे तो दो गुणते दो गुणते दो आएगा कि नहीं आएगा? दो पर कौन घात हो गया? कटेगा ना। आई बात समझ में? दो और पांच दिखना चाहिए, इसमें और कुछ आ जाएगा तो कटेगा नहीं। जैसे एक उदाहरण और भी लिया जा रहा है, देखिए एक उदाहरण कह रहा है कि आपको बिना भाग दिए बताना है कि यह सात दशमलव है कि नहीं। ये जो बत्तीस लिखा हुआ है लड़के, तुम यहाँ से लिखना बत्तीस बराबर, तुम हल करोगे दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, पांच बार कर दोगे दो पर पांच का, इसमें देखो केवल दो ही तो दिख रहा है। yes, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो कि चूंकि यहाँ इसे लिखना चाहोगे कि बत्तीस के गुणनखंड में, बत्तीस के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर लड़के, अभाज्य गुणनखंड है तो प्राइम नंबर याद रखना, प्राइम नंबर दो है, अतः यह क्या हो जाएगा लड़के? सात दशमलव हो जाएगा, सात दशमलव हो जाएगा। देख रहे हो ना? अब भाग करके देख लेना कट जाएगा। दूसरा तुम्हारा उदाहरण जैसे मान लो ग्यारह बटा चौबीस हो जाएगा लड़के, ग्यारह बटा चौबीस हो गया है तो जब तुम चौबीस का गुणनखंड करने जाओगे तो दो का दो, दुनिया के चार, दुनिया के आठ गुणते कितना हो गया? तीन। तो इसमें दो पर तीन घात और तीन हो गया है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? तीन आ गया है। तो तीन से भाग देने पर क्या होगा? ये कटेगा। केवल आपको नीचे बच्चे देखो, या तो दो और पांच दोनों दिखना चाहिए साथ में, और नहीं तो दो दिखे नहीं तो पांच, इसको छोड़कर कोई, देखो तीन आ गया है ना। आप लिखोगे चूंकि चूंकि गुणनखंड चौबीस के गुणनखंड में, चौबीस के गुणनखंड में याद रखना, चौबीस के गुणनखंड में दो के अतिरिक्त, दो के अतिरिक्त क्या है? तीन है। अतः यह संख्या, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी? सात दशमलव नहीं है। अतः यह संख्या सात दशमलव नहीं है। ये तुम्हें सीखना है, भाग देकर तो तुम सबसे बता दोगे। आप इसको भाग करके, मतलब ये लिख रहा हो ना, तुम उतार लेना, साइड में जगह देना, वहां पर भाग करके देख भी लेना कि हाँ सही है कि नहीं है। आई बस समझ में ना, दोनों आप चेक कर लीजिएगा। एक और मैं लिख रहा हूँ बच्चे, ये देखो सत्ताईस बटा में अस्सी लिखा गया है,
ये 27/80 तो तुम 80 का गुणखंड करो, तो गुणखंड करने का सबसे आसान तरीका 8 × 10 कर दीजिए, 8 × 10 = 80। ये 8 × 2 = 2, 8 हो गया, 10 × 2 = कितना हो जाएगा 5। 4 घात है ना, 2×4 = 5। यहाँ लिखोगे 80 के गुणखंड में, 80 के गुणखंड में, हाँ गुणखंड में 2 और क्या है 5 है, अतः यह क्या होगा लड़के, 7 दशमलव। शांत क्या आप बता लोगे ना? यस सर। आप ध्यान दीजिएगा कि इसके हर में, किसी का भी हर में 2 या तो 5, दोनों में से कोई एक और नहीं तो दोनों रहना चाहिए। उसके साथ साथ यदि 3 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, इस तरह कोई संख्या आ जाएगा तो डायरेक्ट लिखना कि और क्या है, अशांत हो जाएगा। समझ में ना? Yes, तो प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलेगा बिना हल किए बताइए शांत की अशांत है, तो आप ऐसे लगा कर लोगे सर। Yes, ये है ना, करिए।